नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीपीएन के बारे में। अगर आप भी वीपीएन अपने मोबाइल में यूज करते हैं तो आपको इस बारे में ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है और आपको ये जानने को मिलेगा कि यहाँ इस वीडियो में कि वीपीएन है क्या चीज, इसको कैसे यूज किया जाता है, यूज करने का रीजन क्या है, क्यों लोग इसको यूज करते हैं, इसका अगर कई देशों में इसको बैन है, अगर कुछ इलीगल एक्टिविटी होती है तो उसको जुर्माना कितना हो सकता है, कितने देशों ने इसको बैन करके रखा है और बैन करने के पीछे रीजन क्या है। जी हाँ, लोग इस देश अलग अलग देश इसको बैन क्यों करते हैं, इसके पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। भाई वी सरकार ने भी एक इससे रिलेटेड वी का जो बता दूँ एक कानून इसको बनाया है, सोशल मीडिया से रिलेटेड इसको बोलते थे साइबर कानून, जी हाँ, जिसमें आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है अगर आप वीपीएन यूज करते हैं गलत तरीके से। जी हाँ, तो भाई डिटेल से पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीपीएन से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए वीपीएन का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। जी हाँ, अब ये वीपीएन होता क्या है, वीपीएन एक अलग से मैं बता दूं एक नेटवर्क होता है जिसपे इस पे देखिए नेटवर्क का मतलब क्या होता है, ये एक भी एक सॉफ्टवेयर होता है, प्ले स्टोर से या फिर अलग अलग साइटों से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। प्ले स्टोर पर भी बहुत सारी वीपीएन के जो ऐप हैं आपको मिल जाते हैं। वीपीएन को लोग यूज़ इसलिए करते हैं कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे गल्फ देशों की बात करें तो कई देशों ने इसको बैन करके रखा है, फिर भी जैसे सोशल मीडिया को बैन कर देता है उस देश में, ये एक वीपीएन के माध्यम से इसको इनडायरेक्टली ओपन किया जा सकता है। बात करें जैसे सोशल मीडिया पर आप दुबई में, काफ़ी देशों में, गल्फ देशों में आप व्हाट्सएप कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग नहीं कर सकते, आप सबको पता है, तो वहां पे एक वीपीएन के माध्यम से डाउनलोड करके फिर आप उसको एक्टिवेट करके आप अपने मोबाइल से वीडियो कॉल ऑडियो कॉल बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक नेचुरल तरीके से होता है, इस पे इतना कोई रोक है नहीं। हालांकि वे में भी इस पे आप वे ने कानून अभी बनाया है 2021 की अगर बात करें कि साइबर लॉ कानून है, जिसमें अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो भाई 1 साल की सजा है, प्लस आपको 5 लाख दुबई दराम तक इसमें जुर्माना भरना पड़ सकता है। वे का जो साइबर कानून अनुच्छेद 1 में ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। जी हाँ, अब आप देखिए खाड़ी देशों में खास तौर से बात करें तो भाई सभी जगह वीपीएन यूज़ लेते हैं। ओमान में भी ये वीपीएन बंद है, आपको सबको पता है, दुबई ने भी बंद करके रखा है, लेकिन नेचुरल तरीके से लोग यूज़ लेते हैं। देखिए खाड़ी देशों में जो लोग आप लोग रहते हैं भाई, आप वीपीएन का क्या यूज़ ले सकते हैं, आप अपने घर वालों से बातचीत करने के लिए व्हाट्सअप कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इससे यूज़ लेते हैं, इससे ज़्यादा तो आप यूज़ नहीं लेते, यहाँ तक ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वीपीएन को यूज़ कौन करता है, सबसे पहले बात करूं इसको इनडायरेक्टली तरीके से, जैसे कई कंपनियां होती हैं या फिर कोई संस्थान होते हैं, कोई साइंटिस्ट टाइप की कोई संस्थान हो गई या कोई बैंक वगैरह है जो इंटरनल यूज़ के लिए वीपीएन का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि अगर आप वीपीएन यूज़ लेते हैं लेकिन जब तक आपको लगता है कि ये सही है वहां तक सही है, उसके बाद इलीगल एक्टिविटी जिनको सरकार ने जिन साइटों को बैन करके रखा है वो वीपीएन के माध्यम से घुस के आप उनको ऑन करना चाहते हैं, उसके माध्यम से उसमें साइट पर जाना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ये फाइन जुर्माना उस स्थिति में लगता है। बाकी हम नॉर्मल तरीके से यूज़ ले सकते हैं तो कोई मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होने वाली है। जी हाँ, हालांकि ओमान में बंद है वीपीएन और वीए में भी बंद है, और देशों में जैसे कतर है, सऊदी है, वहाँ पे भी लोग यूज़ लेते हैं, हालांकि थोड़ा थोड़ा सभी जगह बंद है भाई, ये मत समझना कि सभी देशों में वीपीएन ऑन है। हालांकि देखिए ये तो बात होगी अलग, मैं बता दूँ वीपीएन सरकार बैन क्यों करती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे कई रीज़न हो सकता है। एक तो वीपीएन का इलीगल एक्टिविटी के अंदर से जैसे साइबर्स जो डेटा चोरी करने वाले होते हैं या फिर जो साइबर्स के अंदर से कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो बैंक में सेंधमारी करना हो बैंक के नेटवर्क में या फिर कहीं सेना से रिलेटेड जो भी कोई फाइल वगैरह, इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी होती है उससे सरकार को खतरा रहता है। और इसको देखिए कई देश इसलिए भी बैन कर देते हैं कि उनकी जो पोल हैं एक तरह से मान सकते हैं कि सरकार के खिलाफ में कोई आवाज़ नहीं उठाए तो भी इसको एक बैन किया जा सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा माध्यम है, इसके माध्यम से भी लोग सरकार के खिलाफ में बोलने का दुस्साहस कर सकते हैं, इसलिए भी सरकार इन देशों इन ऐप्स को बैन करके रखती हैं। वीपीएन जैसे और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे चाइना की बात कर लें भाई, चाइना तो इतना एक तरह से अलग ही कंट्री है, वो तो अपने देशों के अपने ऐप्स के अलावा दूसरे देशों के ऐप्स यूज ही नहीं करता, आपको सबको पता है चाइना में व्हाट्सअप नहीं है, चाइना में ये जो ट्विटर वगैरह है ये कहाँ चलते हैं, वो उनके सबके अपने अपने खुद के डिज़ाइन किए हुए हैं वो चलते हैं, जैसे इंडिया में है ना सेम वैसे ही वहाँ पे हैं, वो अपने चलाते हैं, दूसरे देशों की एंट्री नहीं होने देते। तो कहीं ना कहीं सरकार को डर होता है कि इनके माध्यम से, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल चीज़ होती है, अब जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, ये एक इंटरनेशनल यूज़ है,
इसमें पूरे वर्ल्ड एक साथ जुड़ जाता है। और कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि अपने देश में अपने ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जा पाते, तो उनका पता नहीं लगता। उत्तरी कोरिया में कौन सी ऐप है हमें नहीं पता ना, क्योंकि उनकी न्यूज़ ही बाहर नहीं आती। वो इसीलिए नहीं आती कि इन जैसी चीज़ों पर वो बैन करके रखते हैं कि हमारे देश की प्राइवेसी, हमारी कमजोरी, ज़्यादातर कमजोरी छुपाते हैं भाई लोग। जो पावरफुल होते हैं वो तो दिखाते हैं कि हम इतने पावरफुल हैं, कमजोरी हैं वो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सरकार इन जैसे ऐपों को बैन करके रखती है। जी हाँ, फिर भी अगर बात करें वीए में 40% लोग वीपीएन यूज लेते हैं। जी हाँ, और ओमान की बात करें, ओमान में भी भाई कम से कम 25% लोग इसको यूज लेते हैं। कुवैत में बता दूं लगभग 45% लोग इसको यूज लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है। सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप है ये सिंगापुर में, 30% लोग इसको डाउनलोड करते हैं। जी हाँ, भारत में भी 25% लोग इसको डाउनलोड करते हैं, 25-26% के करीब में। जी हाँ, देखिए वीपीएन वैसे अगर देखा जाए तो कोई गलत नहीं है, इसका कोई नहीं कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, कोई एंटीवायरस तो ये है नहीं, सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं लीगल तरीके से, जहाँ तक आप गलत काम नहीं करते हैं। जी हाँ, इसलिए ये आने वाले समय में बढ़ने के चांसेज हैं, कम नहीं होगा, वीपीएन का टाइम बढ़ ही रहा है। आप देख सकते हैं कि पर डे या पर लोग इसको डाउनलोड ही कर रहे हैं। बता दूं सब इन, अब बात करते हैं कि भाई किन देशों ने इस वीपीएन को बैन करके रखा है। लगभग 10 से 11 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने देशों में वीपीएन को बैन करके रखा है। जी हाँ, सबसे पहले नाम आ जाता है भाई चाइना का। जी हाँ, चाइना ने बता दूं 2012 में वीपीएन को बैन किया था। इसके बाद में रूस ने 2019 में इसको बैन कर दिया था। यूएई की बात करें तो भाई यूएई, ये जो 10-11 देश बैन करने वाले हैं, यूएई एक ऐसा देश है कि इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। वीपीएन को गलत तरीके से यूज करने पे सजा और जुर्माना प्रावधान है, बाकी कोई भी देश में ऐसा रूल नहीं है। हाँ, बैन जरूर है लेकिन सजा का नहीं है प्रावधान उन देशों में, लेकिन यूएई दुबई में ऐसा रूल है, दुबई ने ऐसा रूल बनाया है। ईरान की बात करें तो भाई 2013 में ईरान ने बैन कर दिया था। आपको पता है ईरान में जो लड़ाई झगड़े उसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया था। उत्तरी कोरिया में भी इसको बैन है, उत्तरी कोरिया का तो मतलब ही नहीं है, वहाँ तो छोड़ दो उनकी बातें, तो वो तो देश ही अलग है भाई। जी हाँ, वो तो सब दुनिया से कटा हुआ देश है, उनका किसी देश के साथ कोई संपर्क नहीं है, तो उसमें तो वीपीएन हो या ना हो तो वो तो रखने का कोई सवाल ही नहीं होता। जी हाँ, ओमान की बात करें तो भाई ओमान में भी वीपीएन बैन है, तुर्की में भी वीपीएन बैन है, तुर्किस्तान एक अलग कंट्री है उसमें भी वीपीएन बैन है, बेलारूस में भी वीपीएन बैन है, युगांडा में भी वीपीएन बैन है। जी हाँ, 2018 में बैन हुआ था। ये जो लगभग 11 देश हैं, हो सकता है एक दो देश और हों, इन देशों में वीपीएन को बैन करके रखा है। इसका रीज़न ये है कि भाई यहाँ की सरकारें नहीं चाहती कि हमारे बारे में कोई गलत बोले, क्योंकि वीपीएन इंटरनेशनल स्तर पे है, तो उसके ऊपर कोई सोशल मीडिया पे ऐसी कोई न्यूज़ वगैरह लोग फैलाते हैं, उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये देशों की जो सरकार है, सच्चाई की बात है, वो डरती हैं कि अपनी कोई फॉल नहीं खोलें। और लगभग जो अलग तरीके से जो एक अलोकतांत्रिक होता है ना, जिस तरह में जिसमें ज़्यादातर जो मेन प्रभाव किसका होता है, जो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसी के कंट्रोल में पूरा सिस्टम होता है। लोकतांत्रिक इतना वहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता, वो देश इनको बैन कर देते हैं। जैसे इंडिया में, इंडिया तो भाई लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ तो इतना सब कुछ खुला है, एक वीपीएन को बैन करने से क्या हो जाएगा। बाकी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सब बातें लोग शेयर करते हैं, छुपती नहीं है हमारे इंडिया में तो ऐसी बातें, कहीं पर भी आप शेयर कर दो। वीपीएन के अलावा भी बहुत सारे ऐप्स हैं, हज़ारों ऐप्स पड़े हैं जिन पर आप अपनी बातें शेयर कर दो, सबके पास, लोगों के पास पहुँचती हैं। और जो देश है ना, वहाँ पर इतने ऐप्स नहीं है, तो ये कुछ ऐप्स बनते हैं तो उनको वो बैन कर देते हैं इंटरनेशनल स्तर पर, कि हमारे देश से बाहर कोई इसको ओपन भी नहीं करेगा और हमारी जो बात है वो ओपन नहीं हो। जी हाँ, तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि साथियों वीपीएन का क्या मतलब होता है, क्यों इसको देश को बैन किया जाता है। अगर वीए के अलावा जुर्माना किसी देश में नहीं है, सिर्फ वीए सरकार, दुबई सरकार ने इस पर जुर्माना रखा है, 10-11 देशों में इसको बैन करके रखा है, बाकी बहुत सारी कंट्रियां हैं वहाँ पे लीगल भी है ये। आने वाले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि भाई किन किन देशों में वीपीएन लीगल है, वहाँ पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सरकार खुद बोलती है कि आप वीपीएन यूज़ करो, क्योंकि यार वो देश अलग है, उनकी सोच अलग है, उनको पता है कि वीपीएन से ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे अपना, जो लोग डरते हैं वो उसको बैन कर देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और वो देश जिन्होंने इनको ओपन करके रखा है वहाँ पे फुल लोकतांत्रिक है भाई, जैसे इंडिया में वीपीएन ओपन है, वहाँ पे यहाँ पे फुल लोकतांत्रिक, एक वीपीएन को बैन करने से कुछ नहीं होने वाला, और लोग वीडियो बना के डालते हैं, उनका ही कुछ नहीं हो पाता, तो वीपीएन को बैन करने से क्या हो जाएगा। तो बस ये बात है, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बात करेंगे ये कौन कौन से देशों में वीपीएन ओपन है, इससे आप क्या क्या लोग वहाँ पे ये एक्टिविटी करते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।